परेशरावल है नी, एक एक बस लाठी की जगह तो गोलमाल थे, गोलमाल मूवी की तरह बस, बाकी सब मैं ना वैसे ही पहन रखा हूँ। अरे पहला काम हुआ सी तो तो हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज आज ये संडे और हम लोग कल घूम के आ गए थे, रात को ब्लॉग भी नहीं एडिट कर पाए थे शूट, तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का समय और अभी काम पड़ा है बहुत सारा, तो वो थक भी गए थे। और इधर हम लोग आ गए हैं छत पर और हम बना रहे हैं बाटिया। अब काफ़ी लोग जो ब्लॉग मेरा देखते हैं वो कहेंगे ये तो हमेशा बाटिया ही बनाती रहती है, तो फ्रेंड इंदौर से फ्रेंड आए हैं तो और उन्हें बाटिया ही पसंद है और हम लोग बाटिया ही ज़्यादा खाते हैं। और इधर हम लोग फिर से नीचे आ गए हैं, बाटिया हमने बना ली है, उसको हमने आग में जो आग की राख जो बच जाती है उसके अंदर करके आ गए हैं और दबा दी उसके अंदर ताकि वो अच्छे से फूट जाए और सिक जाए अंदर से भी। तो ये है। कुर्ता पहन लिया जा रहा होगा, चले जाने समझ में बाबू को देखते जा रहे। बाबू सुनो तो भी एक सही बात है, बाबू को भी देखे आना है ना, भाभी भी अब चली जाएगी। तो इधर मैं दाल मैंने बघाड़ दी है, उसके बाद धनिया पत्ती काट ली और अब मैं इधर बैंगन भी सेक रही हूँ ताकि मेरे दोनों काम हो जाए। और बाटिया तो मैंने पहले से ही बन चुकी है लगभग, बस उनको अभी घी लगाना बाकी है, तो अभी देखते हैं छत पर जाएंगे। और इधर बैगन सीख रहा है, और किस किस को बैगन का भरता पसंद है एंड दाल बाटी पसंद है कमेंट करके बताना। और हाँ मुझे बहुत पसंद है और फिलहाल अभी मेरे घर वालों को भी पसंद है, पहले नहीं खाते थे मैं बनाने लगी तो सभी को पसंद आने लगा। अरे बाबू लोग पूरा अपना खाना वाना फिनिश करके जा रहे हैं नहाने के लिए, काम कर रहा है वो। वह जितनी आप देख सकते हैं गिर गया। चुप हो जा बाबू, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। बाबू है, प्यारा बाबू है, क्यूटी क्यूटी बाबू है, क्यूटी बाबू है। और हम फिर से छत पर आ चुके हैं और देखो बाबू को कैसे राख में बैठा है, मस्ती कर रहा है। और बच्चों को धूल मिट्टी में खेलना और ऐसी जगह पे खेलना बहुत पसंद आता है यार। काम ही हमारा जॉब कर, तभी हमारा काम है, नौकरी लग गई जहाँ में और साथ में मेरी भी तो दिन भर गई, हमारी नौकरी लग गई जहाँ में यूट्यूब अभी बंद हो गया, बहन है मेरी बड़ी आज जा भी रही है बाटी। तो इधर फ्रेंड मेरी सारी बाटियों में घी मैंने अच्छे से लगा दिया है और अच्छी लगती है दाल बाटियाँ और मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे मायके साथ सभी को पसंद है दाल बाटी। अधिकतर हमारे यहाँ दाल बाटी ही बनाई जाती है क्योंकि हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, मायके साइड में तो यही सब बनता है हमारे यहाँ पर। और इधर मौसी की जाने की तैयारी हो चुकी है और मौसी जा रही हैं अभी घर, और देखिए मौसी अभी बैग लेके अपना खड़ी है जाने के लिए। और अभी सब लोग घर पर है ना तो मन नहीं हो रहा मौसी का भी जाने का, मुझे कह रही थी आज और रुक जाते बट ना उनकी घर पे गाय भैंसे हैं, उनको संभालना भी रहता उनको, इसीलिए घर पे कोई भी नहीं है, दोनों बच्चे भी यहीं हैं। तो अभी मौसी जा रही हैं और हम लोग बातें कर रहे हैं, जाने जा रही हैं मौसी इसीलिए बातें चल रही हैं हम लोगों की। उसके बाद है ना इधर मौसी जाएंगे, उसके बाद ये लोग भी जाएंगे, मेरी फ्रेंड भी जाने वाली है, आज शाम को ही उनका टिकट है, आज ही शाम की 5 बजे की उनकी ट्रेन है। तो
वो लोग भी चले जाएंगे, तो आज तो हमारा घर एकदम खाली खाली सा होने वाला है बिल्कुल। सो गाइस, करेंगे वीडियो का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ कमेंट करके जरूर बता